उठकर मिरर में आपकी वो एक्स्ट्रा शाइन, फेस पर ऑयलीनेस देखकर बिल्कुल परेशान हो चुके हो कि बयां नहीं कर सकते, सो प्लीज डोंट वरी। इसलिए आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं 3 स्टेप सिंपल इजी एंड इफेक्टिव रेमेडी स्पेशली फॉर मेन, क्योंकि मेन को चाहिए होता है सिंपल इजी एंड इफेक्टिव रेमेडी जो आसानी से वो कर पाए। लेकिन अगर आप वुमन हो, इस वीडियो देख रहे हो, तो आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। स्टेप नंबर 1 इज क्लींजर, से बाय बाय टू एक्सेस ऑयल। सबसे पहले हमें पहला कदम है फेस वॉश का। सो ऑयली स्किन के लिए मुल्तानी मिट्टी का फेस वॉश एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ये आपकी स्किन की एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करने के साथ साथ आपकी स्किन को फ्रेश रखते हैं। लेकिन अगर आपको मार्केट की कुछ ट्राई करना है, तो ये प्लम गुडनेस का क्ले फेस वॉश इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर ऑयली स्किन पीपल। इसमें है हल्दी एंड 3 प्रकार की क्ले, जो आपकी एक्ने को कंट्रोल करने के साथ साथ एक्सेस ऑयल को भी कंट्रोल करते हैं। और इसमें ऑरेंज पील पाउडर भी है, जो आपकी स्किन को टैन से बचाते हैं। स्टेप नंबर 2 इज आइस क्यूब मैजिक। हमारा दूसरा कदम है आइस क्यूब का इस्तेमाल करना डेली बेसिस में। डेली आइस क्यूब यूज करने से आपकी पोर्स जो है वो श्रिंक होता है और आपकी स्किन इवन टोन बनता है, स्किन टाइट होता है और एक्सेसिव सीबम को कंट्रोल किया जा सकता है। आप बोल सकते हो ये एक शॉर्टकट मेथड है एक्सेसिव सीबम को कंट्रोल करने का, और कुछ ही दिनों में इसका रिजल्ट दिखते हैं। बस ध्यान रखें कि इसको डेली यूज करें। स्टेप नंबर 3 इज मॉइस्चराइजर। स्किन को हाइड्रेटेड बट ऑयल फ्री रखने के लिए मॉइस्चराइजर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। ध्यान रखें कि मॉइस्चराइजर यूज ना करने से स्किन में ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है। सो अगर आपकी स्किन ऑयली है, तो एलोवेरा जेल इज द बेस्ट ऑप्शन एज अ मॉइस्चराइजर फॉर योर स्किन। एलोवेरा जेल आपकी स्किन को डीपली हाइड्रेट करने के साथ साथ आपकी स्किन को रैश फ्री एंड पिंपल फ्री रखने में हेल्प करते हैं। अगर आपकी स्किन में बहुत सारे एक्ने की प्रॉब्लम है, तो एलोवेरा जेल के साथ थोड़ा सा टी ट्री ऑयल मिक्स करके यूज करें। सो गाइस, ये था कुछ आसान बट इफेक्टिव तरीके ऑयली स्किन को मैनेज करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और स्किन को हेल्दी बनाए रखना। बाय।